नमस्कार दोस्तों, प्रवचन शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के फेल होने के कारण। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, मैंने कई बार देखा है कि सोलर सिस्टम लगा हुआ है बट वो यूज में नहीं है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा नहीं है और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चलिए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं या क्या कारण है सोलर सिस्टम फेल होने का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब लोगों तक पहुंचे कि वाकई सोलर बहुत अच्छी चीज है। कुछ गलतियों की वजह से हम सोलर सिस्टम को खराब नहीं कर सकते, जो कि कुछ लोग हैं जो उसको इंस्टॉलेशन के वक्त उसमें कुछ कमियां करते हैं जिसकी वजह से सोलर प्लांट प्रॉपर वर्क नहीं करता है और जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजर बन जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है सोलर को और फिर वो आगे भी लोगों को प्रमोट नहीं करता है। दोस्तों चूंकि मैं खुद सोलर कंपनी को रन करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और सोचा कि चलो इस बात को शेयर करें। दोस्तों प्लीज आप लोग सोलर सिस्टम को ऐसा क्रिटिसाइज मत करो, सोलर सिस्टम बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। हाँ, बशर्ते वो सही तरीके से प्रॉपर डिजाइन हो, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम इसी टॉपिक पे कि सोलर प्लांट खराब क्यों होते हैं या परफॉर्मेंस अच्छे नहीं देते हैं, कस्टमर क्यों क्रिटिसाइजर बन जाते हैं सोलर के। पहला टॉपिक है दोस्तों पैनल्स। पैनल्स का जो हमें चूज करना चाहिए वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल सोलर प्लांट लगवाना सोच रहे हो या बहुत ज्यादा डिपेंडेबल नहीं बनना चाहते हो, आप सोच रहे हो 70-80% तक हम डिपेंडेबल बन जाए सोलर पे, तो आप पॉली ले सकते हो। पॉली थोड़ा सा कम रेट में भी आता है, पॉली 330 वाट 335 वाट में अवेलेबल है मार्केट में, कहीं पे भी आप ले सकते हो दोस्तों। बशर्ते आपको अच्छी क्वालिटी का पैनल लेना है क्योंकि 25 साल की वारंटी में आता है और आप एक अच्छे ब्रांड का चूज करो। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, सोलर पैनल अच्छा होना चाहिए तभी आपका सोलर प्लांट का जो जनरेशन होता है बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होना चाहते हो सोलर पे तो आप दोस्तों मैं कहूंगा कि आप लोग मोनोपर्क पैनल्स यूज करो जो कि पॉली से कई गुना अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा, लोग बोलते हैं ठंड के महीने में क्या होगा, गर्मी में तो ठीक है, तो ठंड के महीने में ये पॉली जो पैनल्स होते हैं थोड़ी सी इनकी एफिशिएंसी कम होती है, जनरेशन कम हो जाता है, लेकिन मोनो के जनरेशन बहुत ज्यादा कम नहीं होते हैं। वो ठंड के महीने में भी आपको जनरेशन अच्छा खासा देता है जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो वेल प्रॉपर तरीके से रन करता है और आपके घर के अप्लायंसेस भी आराम से रन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमें पीसीयू कौन सा लेना चाहिए। जी हाँ, पीसीयू यानी इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए। आपके जरूरत के हिसाब से पीडब्ल्यूएम होना चाहिए या एमपीपीटी होना चाहिए। कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि जहां पे पीडब्ल्यूएम वहां पे पीडब्ल्यूएम लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें जरूरत बहुत ज्यादा की है और हमने उसको कम से यूज फुलफिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर नाराज होगा क्योंकि उसको जनरेशन अच्छा नहीं मिलेगा और सोलर प्लांट का वो क्रिटिसाइजर बन जाएगा, सोलर प्लांट बहुत जनरेशन नहीं करेगा। दोस्तों तो मैं चाहूंगा कि आप PWM और MPPT को समझे और उसकी जरूरत के हिसाब से उसको यूज करें। सेकंड है डिजाइनिंग। सोलर प्लांट डिजाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि कस्टमर्स का यूज क्या क्या है, दिन में क्या क्या चलाता है, रात में क्या क्या चलाता है, बैकअप के तौर पे कितना लोड देना चाहता है और कितने घंटे देना चाहता है और दिन में क्या चलाता है, ये दो चीजें जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और सोच समझ के अपने सिस्टम को डिजाइन करना चाहिए, करवाना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों स्ट्रक्चर, एंगल एंड फेसिंग। ये तीनों चीज बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर का मतलब हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसकी जो डिस्टेंस होती है, हाइट होती है, ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एंगल, एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोग कई बार सोचते हैं कि एंगल से क्या लेना देना है, इसको आप बस छत पर रख दो और जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हमने मेगावाट में भी काम किया हुआ है, हमें बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिला है। उनका ये कहना होता है कि हमारा जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल मैप देखा जाए उसके हिसाब से हर जगहों का अपना अपना अलग अलग एंगल होता है, कहीं पर 18 डिग्री, कहीं पर 15 डिग्री, कहीं पर 30 डिग्री, कहीं पर 35 डिग्री होता है। साउथ फेसिंग होनी चाहिए, 180 डिग्री पर होनी चाहिए। तो बट दोस्तों मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, नॉर्मली जो आप अगर कहीं पे भी इंडिया किसी भी कोने को हो तो आप नॉर्मली 25-30 डिग्री के बीच में अगर आप पैनल लगा लेते हो, फेसिंग साउथ रख लेते हो, तो आपको जनरेशन अच्छा मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों आता है बैटरी। बैटरी मैंने कई बार देखा है सोलर प्लांट लगे होते हैं लेकिन वहां पे जो बैटरी यूज की जाती है वो नॉर्मल बैटरी यूज की जाती है। नॉर्मल बैटरी मतलब दोस्तों तो वो बैटरी जो हम अपने घरों में इन्वर्टर्स में यूज करते हैं वो बैटरी नहीं होनी चाहिए। वो बैटरी आप यूज कर रहे हो वो गलत है। सोलर प्लांट के साथ सोलर बैटरी यूज होनी चाहिए क्योंकि सोलर बैटरी को खास कर सोलर के लिए डिजाइन किया गया होता है। उसकी जो लॉन्ग एफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो नॉर्मल बैटरी से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता है दोस्तों। जल्दी से चार्ज होता है और बहुत ही अच्छा आपको बैकअप भी देता है दोस्तों। ये इसके बारे में मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डीपी में बैटरी के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझ जाओ कि अगर आपने सोलर प्लांट लगाया है तो वहां पे सोलर प्लांट के साथ बैटरी जो होनी चाहिए वो सोलर बैटरी ही होनी चाहिए, नॉर्मल बैटरी नहीं होनी चाहिए। कैसे पता करोगे आप लोग? सोलर बैटरी पर आप लोग अंदर देखो, नीचे कहीं ना कहीं लिखा होता है C10 और C20। C20 बैटरी यानी कि नॉर्मल बैटरी होती है, C10 बैटरी वो सोलर बैटरी होती है दोस्तों। यही मेन डिफरेंस होता है सोलर नॉन सोलर बैटरी का, C10 एंड C20। C का बेसिकली मतलब होता है दोस्तों C एज एन चार्ज, 10 एज एन आवर यानी कि 10 घंटे में चार्ज होता है। जैसे हम जाते हैं सूरज जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक रहता है, बेसिकली जो 8 से 10 घंटे बहुत अच्छे धूप हमें मिलती है इसलिए वो C10 बैटरी होती है, और जो नॉर्मल बैटरी तो C20 बैटरी होती है दोस्तों। सेकंड है मेंटेनेंस। हमने कई बार देखा है दोस्तों कि सोलर प्लांट लगा तो देते हैं लोग उसको फिर भूल जाते हैं, उसको मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। यानी कि हमें सोलर पैनल्स जो होते हैं वो महीने में 1 से 2 बार एटलीस्ट हमें उसको साफ कर देना चाहिए दोस्तों। कुछ नहीं है उसमें, बस आप एक नॉर्मल पानी लेके उसे आप वॉश कर सकते हो, आप हल्का सा पानी फेंको पैनल्स पे, वो ऑटोमेटिकली पैनल के सारे जो डस्ट होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। और सेकंड चीज बैटरी, बैटरी भी देखना बहुत जरूरी होता है, मेंटेन करना देख मेंटेनेंस की जरूरत होती है उसे, ताकि उसके जो लिक्विड है एसिड्स है वो कम और ज्यादा ना हो। सेकंड चीज होती है दोस्तों बैकअप। अक्सर लोग बोलते हैं बैकअप हमें नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि बैकअप इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बैटरी का जो बैटरी सही से नहीं होता है, उसका जो कनेक्टिविटी होती है वो सही नहीं होती है, और इन्वर्टर से बैटरी की दूरी बहुत कम होनी चाहिए दोस्तों। बहुत ज्यादा दूरी होने से भी एनर्जी लॉस होता है। लोग बोलते हैं कि मेरे वहां बिजली बिल कम नहीं हो रहा है, यानी सोलर प्लांट लगा है बट बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा, हुआ है बट सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं, इससे और ज्यादा कम होना चाहिए। इसका रीजन ये होता है दोस्तों कि आपके वहाँ जो डिजाइनिंग की गई है सोलर प्लांट वो बहुत ज्यादा डिजाइन अच्छा से नहीं किया गया दोस्तों। ये भी देखिए बहुत जरूरी होता है सोलर प्लांट आपको लगा कौन रहा है और आपका इंस्टॉलर कौन है। कई बार मैंने कई जगहों पे मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ही गंदे तरीके से लगाते हैं, वायरिंग का सेंस नहीं होता है, बैटरी में कितने केबल्स यूज करने चाहिए कितने एमएम के वो नहीं पता होते हैं, पैनल टू इन्वर्टर कौन से तार यूज करने चाहिए, डीसी वायर होना चाहिए एसी वायर होना चाहिए ये नहीं पता होता है, और कितने एमएम का होना चाहिए, इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बैटरी से इन्वर्टर की दूरी और पैनल से और इन्वर्टर की दूरी क्या होनी चाहिए, ये सब बहुत ही ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। डीसी वायर यूज कर रहे हो कि एसी वायर यूज कर रहे हो, आप एसी भी डीबी बॉक्स लगाया कि नहीं लगाया, डीबी डीसी डीबी बॉक्स लगाया कि नहीं लगाया, ये सारी चीजें फैक्टर करती हैं सिस्टम बनाने में दोस्तों। तो मैं कहूंगा कभी भी अगर आप लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का सोच रहे हो तो आप प्लीज किसी अच्छे इंस्टॉलर से लगाओ। आप चाहे मुझे कॉल कर सकते हो, मैं ऑल ओवर इंडिया में सोलर प्लांट इंस्टॉल करता हूँ, बहुत अच्छे से बारीकियों से हमें पता होता है सोलर प्लांट को कैसे लगाते हैं, किस डिग्री पे लगाते हैं, कितना पैनल की दूरी होनी चाहिए इन्वर्टर से, बैटरी की दूरी बैटरी और पैनल इन्वर्टर में कितने एमएम का केबल होना चाहिए दोस्तों, ये सब। कस्टमर बोलते हैं कि मेरे वहाँ बिजली बिल कम नहीं हुआ है, क्योंकि उस होता क्या है आपके वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, सपोज दिन भर में आप 10 यूनिट यूज कर रहे हो, आपने 2 किलोवाट सिस्टम लगाया हुआ है, सपोज डिजाइनिंग जो हुई है वो 2 किलोवाट हो गई। नॉर्मली जो 2 किलोवाट इन्वर्टर सोलर प्लांट होता है, अगर आप पॉली इन्वर्टर पैनल्स लगाते हो तो पॉली पैनल्स के साथ आपको 4 से 5 यूनिट पर डे मिलेगा, यानी कि 2 किलोवाट में आपको 10 यूनिट वो जनरेट करके देगा। अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो आप मोनो पैनल लगाओ जो कि आपको 5 to 6 समटाइम्स 7 भी दे देता है वो, तो वो आप लगवा लो। यानी कि बेसिकली आपने 10 यूनिट यूज करना है और आपने 10 यूनिट जनरेशन का सोलर प्लांट लगाया है। तो होता है क्या दोस्तों, आप जो सोलर प्लांट जनरेशन कर रहा होता है डे टू डे में 10 यूनिट आपको जनरेट करके दिए, आपने 10 यूनिट दिन भर में खर्च कर दिए, यानी आपने बैटरी के लिए एक भी यूनिट छोड़ा नहीं, बैटरी के लिए कोई पावर बचा ही नहीं कि बैटरी को चार्ज कर सके इन्वर्टर। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, दिन भर तो आपने सोलर से अपने सारे अप्लायंसेस चलाए लेकिन रात होते ही जब सोलर बंद हो जाता है, सूरज की किरणें आनी बंद हो जाती हैं, तो सोलर आपके ग्रिड पे स्विच कर जाता है, यानी कि आपकी बिजली पे स्विच कर जाता है और आपके बैटरी को वो बिजली से चार्ज करता है, जिसमें आपके यूनिट खर्च होते हैं और वही होता है तो आपके बिजली बिल कम नहीं होते हैं ज्यादा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो दोस्तों। तो इसीलिए डिजाइनिंग बहुत जरूरी होती है।
आप अपने वहाँ यूजेस क्या है, अगर आपके वहाँ 10 किलोवाट का यूजेस है, आई मीन 10 यूनिट पर डे का यूजेस है, तो आप एटलीस्ट 15 से 20 यूनिट पर डे का सोलर प्लांट बैठाओ, ताकि आप यूज भी कर सको और आपके बैटरी को चार्ज भी कर सके। अदरवाइज वही होगा दोस्तों, बिल आपका बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी सोलर प्लांट आप प्लान कर रहे लगवाने का, तो आप मुझसे एक बार चाहो तो डिस्कस जरूर कर सकते हो। मैं ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी कि सोलर प्लांट लगे होने के बावजूद भी क्यों प्रॉपर काम नहीं करता है और जनरेशन अच्छा नहीं देता है, और क्यों लोग कहते हैं कि सोलर सिस्टम ख़राब है। प्लीज़ आप इस बात को इग्नोर करें, सोलर सिस्टम ख़राब नहीं होता है। हाँ, कुछ कमियां होने की वजह से सोलर सिस्टम का जो जनरेशन होता है वो सही से नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। कोई टॉपिक ऐसा हो जो मैं ना समझा पाया हूँ आपको क्लियर अच्छे से, प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसको दोबारा रिवाइज करूँगा और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और लास्ट में मैं इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ ये थॉट जो है, ये जो सोलर प्लांट सही काम नहीं करता, इसको प्लीज़ स्प्रेड करें, लोगों तक फैलाएं, ताकि लोगों को समझ में आए और लोग जागरूक हों कि सोलर प्लांट बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें यूज़ करना चाहिए। कभी भी दोस्तों, अगर आप लोग को लगे कि कोई भी नॉलेज चाहिए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए सोलर से किसी भी संबंधित, आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोग को मेरा वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।